साल था 2006। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन मूवीज में एक बहुत बड़ा नाम था, जबकि पिक्सार एक इमर्जिंग एंड क्रिएटिव कंपनी थी जो एनिमेटेड मूवीज में स्पेशलाइज करते थे। दोनों कंपनीज एनिमेटेड मूवीज के अलग अलग स्टेजेस में स्पेशलाइज करते थे। तभी वॉल्ट डिज्नी ने ऑफर की अक्वायर करने के लिए द होल कंपनी ऑफ पिक्सार एट अ वैल्यूएशन ऑफ $7.4 बिलियन। पिक्सार के तभी के CEO स्टीव जॉब्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट की, जहां से वॉल्ट डिज्नी की डिस्ट्रीब्यूशन रीच कंबाइन होने जा रही थी विद द इनक्रेडिबल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ पिक्सार। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के स्पेस में ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मर्जर माना जाता है बिटवीन टू कंपनीज। तो क्या होते हैं मर्जर्स एंड क्या होते हैं एक्विजिशंस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मर्जर वो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन होता है जहां दो या उससे ज्यादा कंपनी साथ आकर एक और बड़ी कंपनी बनते हैं। वहीं एक्विजिशन में एक बड़ी कंपनी किसी और छोटी कंपनी को एक्वायर करके और बड़ी कंपनी बनती है। दोनों ही केसेस में मल्टीपल कंपनीज साथ आकर एक नई और बड़ी बिजनेस एंटिटी बनते हैं। आइए अब जानते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मर्जर्स के तीन की टाइप्स होते हैं। नंबर वन, हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में दोनों कंपनीज सेम प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती हो किसी और कंपनी को अक्वायर या फिर मर्ज कर लेती है जो उसी सेक्टर में है, यानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर किया था, देन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मर्जर। नंबर टू, वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में दोनों कंपनीज सेम वैल्यू चेन में ऑपरेट करते हैं बट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टायर कंपनी का मर्जर विद अ रबर मैन्युफैक्चरर या फिर एक कॉटन सप्लायर का मर्जर विद अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पर अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करनी हो तो जी एंटरटेनमेंट ने अक्वायर किया था डिश टीवी। अब जी एंटरटेनमेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जबकि डिश टीवी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिकल मर्जर। नंबर थ्री, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। यानी जब दोनों कंपनीज के आपस में कोई प्रोसेसेस कॉमन ना हो या फिर कस्टमर्स भी कॉमन ना हो एंड स्टिल दे अग्री टू मर्ज और अक्वायर, तो तब उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन ऑफ वायोकॉम 18's बिजनेस। रिलायंस इंडस्ट्री वॉज इन टू ऑयल्स एंड केमिकल्स, जबकि वायोकॉम 18 वॉज इन द ब्रॉडकास्टिंग स्पेस। तो ये हो गया एक कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब बात करते हैं कि मर्जर्स के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर वन, सिनर्जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी कंपनी की कंबाइंड वैल्यू उसके छोटे हिस्सों से ज्यादा होती है। सिनर्जी के द्वारा कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट भी होता है एंड कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटिटी बढ़ जाती है। नंबर टू, डाइवर्सिफिकेशन। एक मर्जर करने के बाद कंपनी अपने किसी बिजनेस की रिस्क या फिर डिपेंडेंसी कम कर सकती है एंड डाइवर्सिफाई कर सकती है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। नंबर थ्री, कॉम्पिटिटिव एज। कई बार दो कॉम्पिटिटर्स मर्ज होने से जो कंबाइंड एंटिटी है वो और बड़ी बन जाती है, जिससे बाकी की कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाती है। जहां मर्जर्स के इतने सारे फायदे होते हैं, वहीं मर्जर्स से नुकसान भी हो सकता है, जैसे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मर्जर्स के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड उन्हें भी जागरूक कीजिए ऑफ न्यू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।